नमस्कार बच्चों बच्चों, आज हम पाठ नंबर 15 अंधेर नगरी पाठ का हम जो है हमने पढ़ा था, इसको समझा था पिछली वीडियो में। तो आज हम इसमें पहले सबसे पहले कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे जो कि श्रुतलेख के लिए। तो बच्चों एक चीज़ और ध्यान दें कि आप जब भी पाठ में आपको श्रुतलेख के नीचे अंडरलाइन करवाई जाती है, कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की जाती है, तो आपने सबसे पहला काम यह है कि आपने कठिन शब्दों को लिख कर देखना है, और गलतियां होने पर जो है 3 बार जो है शुद्ध करके आपने लिखना है ईमानदारी से, ठीक है। अगर आपकी गलतियाँ नहीं होंगी तो मात्राएँ ठीक हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि आपने घर में बैठे हुए जब भी आप खाली समय में बैठे होते हैं तो आपने पठन पाठन जरूर करना है, और ऊंचे स्वर में पठन पाठन किया करो ताकि जिससे कि आपको पढ़ने की आदत बन सके, आप जो है शुद्ध उच्चारण के साथ इस पाठ का को पढ़ सके। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इस पाठ के कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अंधेर, पहला शब्द है अंधेर। नेक्स्ट महंत, कुंजड़िन, फरियादी, भिष्टी, गडरिया, कोतवाल। नेक्स्ट दृश्य, नारायण दास, गुरुजी, भिक्षा, आनंद, गोवर्धन दास, पश्चिम, नेक्स्ट आ जाइए। जो बच्चों एक बारी हमने निशान लगा दिए कठिन शब्द को, उस पर मैं नहीं लगा रही हूँ, तो आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है चौपट, साड़ी, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। विश्वास, पछताएगा, यथास्थान, मंत्री, दुहाई, चिल्लाता, बनिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। चुने वाला, गुलाम, मशक, फिर से नेक्स्ट पेज पर, धूमधाम, कसूर, फांसी, नाहक, नेक्स्ट पेज पर,
आफत। हुकुम फंदा बीमार अपराध परमेश्वर प्राण बेकसूर दशा भू सिपाहियों शिष्य अंतिम उपदेश हुज्जत। नेक्स्ट पेज पर बच्चों इस पेज में इस पाठ में सॉरी बहुत सारे कठिन शब्द हैं, तो जो है आप उन पर निशान लगाते जाइए। चढ़ूंगा स्वर्ग लटकेंगे तो ये बच्चों आपके इस पाठ में कठिन शब्द थे जिनका कि आपने लिखकर अभ्यास करना बोलना भी है बोलकर लिखकर और इसका अभ्यास करोगे। क्योंकि आपको पता है कि जब बार बार हम अभ्यास करते हैं तो वो हमारे शब्द जो हैं बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं और गलतियां होने पर हमने उनको तीन तीन बार लिखने। अब जो है कुछ शब्द जो है मैंने साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ वैसे तो बता दिए थे लेकिन फिर भी जो है कुछ नीचे दिए हुए हैं उन शब्दों को जो है हम पढ़ लेते हैं। उनको आपने याद भी करना है और लिख कर देखना है। शब्दार्थ टका। टका किसे बोलते हैं? मैंने बताया था ना तांबे का पुराना सिक्का जिसमें कि खोल होता था एक छेद होता था तांबे का। पहले समय में तांबे के सिक्के चलते थे, आजकल तो लोहे और स्टील और पीतल के धातु के बने होते हैं, तो पहले समय में तांबे के बनते थे है ना, या फिर गिनार होती थी है ना। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 83 पर भिष्टी। भिष्टी बताया था आपको मशक में पानी ढोने वाला व्यक्ति जो कि मशक लेकर जाता था। मशक किससे बनती है? जो कि जानवरों की खाल से बनाई जाती है, यहाँ पे दिया भी हुआ है। गुलाम दास या नौकर को हम क्या बोलते हैं? गुलाम बोलते हैं। मशक जो खाल का बना हुआ पानी भरने का थैला, बताया था आपको एक साइड से बंद होता है और दूसरी साइड पर उस पर ढक्कन लगा होता है और पीछे उसमें पट्टियाँ लगी होती हैं ताकि वो कमर पे टांग लिया जाता है या आगे टांग लिया जाता है ना। ये अधिकतर जो है राजस्थान की तरफ होते हैं जहाँ पर ऊँट है, पानी की बड़ी शॉर्टेज होती है तो लोग जो है अपने साथ मशक में पानी लेकर चलते हैं ताकि रास्ते में प्यास लगने पर पानी तो मिलता नहीं है तो वो मशक के में से पानी निकाल कर पीते हैं अपने आप भी और साथ में अपने ऊँट को भी जो है पिलाते हैं। ऊँट को राजस्थान में क्या बोलते हैं? जहाज बोलते हैं है ना, मरुस्थल का जहाज। तो इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 84 नीचे है नाहक। नाहक होता है बिना वजह, नाहक यानी कि बिना वजह, बिना कारण के। वजह की जगह क्या लिख सकते हैं? कारण भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ है बिना कारण। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए 85 पर हुज्जत। हुज्जत होता है जुबानी या लड़ाई झगड़ा। हुज्जत जुबानी यानी कि मुंह से बोलकर जो है लड़ाई दंगा करते हैं बोलते हैं, और एक लड़ाई झगड़ा जो होता है वो मारपीट का होता है, दूसरा क्या है मुंह के साथ जुबानी जो है लड़ना, उसको बोलते हैं हुज्जत। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, तो हमारा कोई भी नहीं है शब्द, तो बाकी जो कठिन शब्द थे मैंने आपको साथ साथ मैं बताती हुई चली थी। तो ये कहानी आपने पढ़ी एकांकी, सॉरी कहानी नहीं है ये क्या है एकांकी। तो एकांकी को क्या है मंच पर खेला जाता है, मंच पर इसका प्रदर्शन किया जाता है और इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एकांकी और कहानी में क्या अंतर। कहानी तो हमारी जो हम सुनाते हैं कहानी है, एकांकी जो है वो प्ले किया जाता है ना,
प्ले करके इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं जिनको भिन्न भिन्न पात्रों को अलग अलग जो है रोल दे दिए जाते हैं अभिनय करने के लिए, और फिर जो है पात्र अभिनय द्वारा मंच पर उसका प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो है कठिन शब्दों पे निशान लगाए, और आपका जो होमवर्क आज का है वो ये है कि आपने कठिन शब्दों को जो अंडरलाइन शब्द हैं उनको लिखने का अभ्यास करना है, और गलतियाँ होने पर उनको 3-3 बार लिखना है। तो कल फिर मिलेंगे हम भाषा इसके अभ्यास कार्य के साथ, तब तक नमस्कार बच्चों।